अढ़ाई माह गुजर गए, सगिया रावी पुल का मरम्मती काम अधूरा। ट्रैफिक जैम रहना मामूल, शहरी घंटों रास्ते में फंसने लगे। मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की अपील। सूबह पंजाब के अब बदलेंगे हालात। वजीर आजम से मुलाकात के बाद वजीर आला ने नई हिकमत अमली बना ली। उस्मान बुज़दार का सूबे के इजलास का अचानक दौरों का फैसला। वुज़रा की टीम को भी फाल बनाएंगे। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के इकदाम के खुद मॉनिटरिंग करेंगे। मदरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में शफाफ भर्तियां, नई अथॉरिटी बना दी गई। एक ता पांच ग्रेड की भर्ती सेक्रेटरी बोर्ड करेंगे। ग्रेड 6 से 16 तक की भर्तियों का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास होगा। ग्रेड 17 और उससे ऊपर तमाम ग्रेड की भर्ती के इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होंगे। वजारत मजहबी अमूर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरवाजे खुल गए, आज फिर गवर्नर हाउस में रौनक। शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरी के लिए पहुंच गई, जी भरकर एंजॉय किया। कैदी नंबर 4470 कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप। डॉक्टरों ने ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इस्लाम अमन का दीन है, मोहब्बत और इंसाफ के जोर पर फैला है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का जौहर टाउन में जामियतुल खैर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खताब। कुरान पाक मुकम्मल करने वाले 30 से ज्यादा तलबा को असनाद से नवाजा गया। मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब चिंगची रिक्शा सवार की दिन दहाड़े राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से एक राहगीर जाँ बहक, दो जख्मी हो गए। मुलजिम गोलियां चलाता और रिक्शा भगाता फरार हो गया। जख्मी अकबर, ताज मोहम्मद और अख्तर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 26 साल अख्तर में अस्पताल में दम तोड़ गया। थाना रावी टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाली खातून भाइयों के हाथों कत्ल। 30 साल उज्मा को भाइयों ने कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला को बचाते हुए उसकी 34 साल सौतन नौरीन जख्मी हो गई। जनरल अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम भाइयों असर और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला उज्मा ने चंद रोज कबल साजिद से पसंद की शादी की थी। वालिदैन की गफलत, दो बच्चे जान से गए। चूंग में घर वाले मच्छर से बचाव की टिक्की लगाकर खुद हमसायों के घर महफिल में चले गए। पहले आग कालीन को लगी, फिर कमरे को लपेट में ले लिया। सोए हुए बच्चे सोते ही रह गए। 7 साल सुफियान, 9 साल अरसलान झुलस कर जान बहक। मामूली झगड़े पर 25 साल नौजवान को जिंदा जला दिया गया। रोही नाले के करीब चार मुलजिमों ने दुकान में अशफाक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। अशफाक झुलस कर जाँ बहक। अशफाक का चंद रोज कबल पतंगबाजी से रोकने पर मुलजिमों से झगड़ा हुआ था। जज्बाती मतवालों को ट्रेन रोकना महंगा पड़ गया। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर ट्रेन का पहिया जैम करने की कोशिश करने वाले UC चेयरमैन राय लियाकत, लीगी रहनुमा शफकत पांडा और मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। पुलिस को मजीद दो दर्जन कारकुनों की तलाश। पुलिस CCTV और TV फुटेज से मदद ले रही है। खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए, शहर में फिर पतंगबाजी। नश्तर कॉलोनी में पुलिस का खुफिया इत्तला पर घर पर छापा। 160 से जायद पतंगे और 90 बोतल शराब बरामद। दो मुलजिमान बासित और गोहर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम नशात फरोशी भी करते थे। पुलिस इंसानी सेहत के दुश्मन मुसाफिरों की जिंदगियों से भी खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फ्राइड चिक्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कीड़े मकोड़े, नाकिस गोश्त पर सील। चिकन ब्रोस्ट रेस्टोरेंट को जायदुल मयाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर ताले लग गए। मिजाब होटल भी बंद। शिकायत मिलने पर मोटरवे सर्विस एरिया की चेकिंग में इजाफा कर दिया DG फूड अथॉरिटी।
دفتری امور میں مسائل، کام کا بوجھ۔ 7 سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ۔ نئی تحصیل کا نام نیاز بیک ہوگا۔ دریائے ایریا، رائے ونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے۔ نیاز بیک تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو کو سمریر سال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلی پنجاب سے مشروط ہوگی۔ سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار، ریٹ نہیں رہتے برقرار۔ ٹماٹر کی قیمت کم ہوتے ہوتے 74 روپے پر آئی، لیکن کہیں بھی 80 سے 85 روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا۔ سبز مرچ تو ڈبل سینچری سے ٹرپل سینچری کی جانب گامزن ہے، 285 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ آلو کے سرکاری نرخ 11، پیاز 28، بینگن 42، گوبھی 20، مٹر 42 روپے مقرر ہے، لیکن دکاندار ہر سبزی کا 2 سے 5 روپے زائد ہی وصول کر رہے ہیں۔ عوام مہنگائی کے گھیرے میں مرغی کے گوشت کو بھی پڑ لگ گئے۔ قیمت مزید 3 روپے بڑھ گئی، ریٹ 228 روپے سے بڑھ کر 231 روپے فی کلو ہو گیا۔ مٹن اور بیف تو پہلے ہی مہنگا، چکن بھی پہنچ سے دور، شہری پریشان۔ بہار کے رنگ اور کلین اینڈ گرین مہم ساتھ ساتھ شہر کے در و دیوار کو خوبصورت رنگوں سے سجانے کا عمل جاری۔ کہیں قومی ہیروز کی تصاویر تو کہیں ملکی ثقافت کے رنگ۔ رنگوں سے امن اور کلین اینڈ گرین پاکستان کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے۔ ڈی سی لاہور، صالح سید۔